मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री राम राजा सरकार की पावन नगरी ओरछा धाम में दिव्य और अलौकिक श्री राम राजा लोक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 12 एकड़ क्षेत्र में 81 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य और दिव्य श्री राम राजा लोक। बालकांड प्रांगण में भगवान राम की बाल लीलाएं चित्रित की जाएंगी। उत्तरकांड की चित्र प्रस्तुतियां होंगी जिसमें भगवान राम का राजा रूप कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत है। मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी जैसे मिलेगी मैं भरपूर बिजली लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने लायक बिजली दे सकूं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार है केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आएगा, किसान भाइयों की फसलें लहलहाएंगी, इसका तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में आयोजित कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल परियोजनाओं का लोकार्पण कर जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में पंचामृत पूजन एवं महारुद्र अनुष्ठान कर देवाधिदेव महाकाल भगवान से मध्य प्रदेश में उत्तम जल वृष्टि हेतु कामना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में पीपल का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उनके साथ वन राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह, निवाड़ी विधायक श्री अनिल जैन, पृथ्वीपुर विधायक श्री शिशुपाल सिंह यादव भी उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से आज राजभवन भोपाल में प्रेरणादायी सिद्धार्थ सामाजिक कल्याण समिति संस्था रतलाम के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त माननीय श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे तथा निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल द्वारा मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2023 को लेकर एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज नई दिल्ली में सांसद श्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।